सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज कल ही लॉन्च हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S24 की डीप रिव्यू बरतने वाला हूँ। मैं हूँ पोसेन, आप देख रहे हैं टेक क्रेजी ब्रो। गाइस वीडियो को अभी से लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहना। यह है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा कॉम्पैक्ट PVF जेनरेशन अल्ट्रा मॉडल पे इस बार चेंज देखने के लिए मिलती है। इस बार बॉक्स डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। S22 और S22 अल्ट्रा में आपको राउंड बैक देखने के लिए मिलती थी, इस बार कुछ स्क्वायर डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है। इस बार बैक नहीं, फ्रंट पे आपको चेंज देखने के लिए मिल जाती है। फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे, जो पहले आपको क्रॉप डिस्प्ले देखने के लिए मिलती थी। स्क्रीन में इस बार बेजल्स भी आपको नैरो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे डिफरेंस देखे तो अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा की सिमिलर में आपको फोर साइट जस्ट देखने के लिए मिलती थी। 24 अल्ट्रा में सेकंड चेंजेस की बात करें, इसकी जो बॉडी है टाइटेनियम की बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाती है। टाइटेनियम बॉडी ग्रे कलर है, ग्रॉसी देखे तो नेचुरल टाइटेनियम कलर जैसा लगती है। साइड फ्रेम को देखिए थोड़ा क्रॉप देखने के लिए मिलती है। पर S24 अल्ट्रा में फोर कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो कलर है ये ग्रे कलर है, ये पेपल कलर है, ये टाइटेनियम येलो कलर है और ये जो कलर है ब्लैक कलर है। जो येलो कलर है ये गोल्डन कलर जैसी लगती है। ये जो फ्रेम है आपको येलो देखने के लिए मिल जाती है, जो फोन को यूनिक लुक देती है। जो लास्ट में मिलती है टाइटेनियम ब्लैक कलर भी बहुत काफी ग्लॉसी कलर देखने के लिए मिलती है। 24 अल्ट्रा पे देखने के लिए मिल जाएंगे। S24 अल्ट्रा की स्क्रीन को देखे तो 6.8 इंच का 2K रेगुलेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले में स्टेनली आर एंजल देखने के लिए मिल जाती है। डिस्प्ले में फ्रंट कैमरा कार्ड आउट S23 अल्ट्रा मोलर देखने के लिए मिल जाती है। मोर देन डिफरेंट लुक। डिस्प्ले में ब्राइटनेस की बात करें, इस बार काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है ब्राइटनेस पे। PVF जेनरेशन में 1750 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, इस बार 600 nits पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। नहीं, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी। की बैक की लुक देखे तो ऑलमोस्ट प्रीमियम जेनरेशन जैसी लुक आपको देखने के लिए मिलती है। मेरा फैक्ट इस बार आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। जेनरेशन ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस मिलती थी। 24 अल्ट्रा में इस बार 5x टेलीफोटो लेंस मोलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको फोकल लेंस मोलर देखने के लिए मिलती है। इस मॉड्यूल आपको लार्ज देखने के लिए मिलेंगे। उनमें मेन कैमरा आपको 200 मेगापिक्सल का डुअल फोकल लेंस कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में सैमसंग गैलेक्सी S24 की बात करें, 6.2 इंच की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्मार्टफोन को आप सिंगल फिंगर से होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील देती है। विजिबिलिटी भी नैरो आपको देखने के लिए मिलती है। S24 में सेल्फी कार्ड भी स्मॉलर देखने के लिए मिलेंगे। 24 में भी फोर कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फास्ट जो कहेंगे ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ग्रे कलर देखने के लिए मिलेंगे और पेपल आपको कलर देखने के लिए मिलेंगे। बात करें A24 प्लस की, 6.7 इंच का स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस फोन को भी आप सिंगल हैंड से होल्ड कर सकते हैं, काफी कंफर्टेबल आपको फील देखने के लिए मिलेंगे। S24 कंपेयर में काइटली आपको बड़ा देखने के लिए मिलेंगे। बेजल्स देखे तो आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाती है, यानी आपको नैरो बेजल्स देखने के लिए मिलेंगे। 24 अल्ट्रा भी आपको फोर कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। येलो देखने के लिए मिल जाती है, ग्रे कलर देखने के लिए मिलती है, ब्लैक कलर देखने के लिए मिल जाती है, पेपल कलर देखने के लिए मिल जाती है। और S24 सीरीज में आपको सेम फोर कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। 24 की जो पेपल कलर है, S24 में मोर आपको ग्लॉसी कलर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो S24 और S24 प्लस है, सेम ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 600 nits ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। S24 अल्ट्रा पे आपको 2K रेगुलेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, आपको सेम 2K रेगुलेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन आपको S24 में 108p की रेगुलेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो स्लाइटली लोअर है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको 24 में 4000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेंगे और S24 प्लस में आपको 4900mAh की एक बड़ा सा बैटरी देखने के लिए मिलेंगे और S24 अल्ट्रा में आपको 5000mAh की एक बड़ा सा बैटरी देखने के लिए मिलेंगे। S24 अल्ट्रा में इंडिया में प्रोसेसर यूज किया है, इंडिया के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी S24 और S24 प्लस में आपको 0.4 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाती है।
अगर स्पाइस की बात करें, S24 अल्ट्रा की जो बेस्ट वेरिएंट की प्राइस है 1,09,919 रुपीस से स्टार्ट होती है। S24 अल्ट्रा की प्राइस है 79,919 रुपीस और S24 प्लस की जो प्राइस है इंडिया की 99,999 रुपीस। सो गाइस यही थी S24 सीरीज स्मार्टफोन की डीप रिव्यू। वीडियो गाइस कैसी लगी, कौन सी वेरिएंट आपको बेस्ट लगी है और कौन सी वेरिएंट आप इंडिया के लिए लेना चाहते हैं, तो जरूर गाइस कमेंट पे एक कमेंट कर देना। और गाइस आपकी कुछ क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आपको जरूर गाइस पूछ लेना, तो जरूर आपको मैं रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। गाइस OnePlus 12 भी मैं ऑलरेडी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वो वीडियो आप गाइस नहीं देखी तो जरूर गाइस उस वीडियो को देख लेना। और गेमिंग टेस्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टाटा।